প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই পল্লৱী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত বলিউডৰ এনে এজন অতিথি উপস্থিত আছে যিজনৰ যাদুকৰী কণ্ঠই, যিজনৰ ব্যক্তিত্বই সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি আহিছে। কেইবা দশকজুৰি বলিউডত তেওঁৰ গীতে খলকনি তুলি আহিছে আৰু সেইজন প্ৰসিদ্ধ গায়ক পদ্মশ্ৰী সন্মানপ্ৰাপ্ত সুৰেশ ঈশ্বৰ ৱাৰকাৰজী আমাৰ লগত আছে। পেহলে স্বাগত হে, বহুত বহুত স্বাগত হে আসাম মে। তো পেহলে আপ আসাম মে হে, গুৱাহাটী মে হে, তো আসাম কে লোগো কো মিলকৰ কেছা লাগা পেহলে সবাল? বহুত আচ্ছা লাগা, আসাম কে লোগ বহুত মিউজিকাল হে অর ইসকা এক্সপিরিয়েন্স তো মুঝে পিছলে 25 সাল সে হে, ক্যোকি মেরে খ্যাল সে 24-25 সাল হুয়ে হোঙ্গে জব মে लता जी के साथ आया था पहली बार। भूपेंद्र ने हमको यहाँ पे बुलाया था सबको, और बहुत मुझे बड़े मेमोरेबल शोज हुए थे, और भूपेंद्र ने बहुत घुमाया था हमको, वाइल्ड लाइफ भी दिखाने लेके गए थे, और सिक्किम भी लेके गए थे, नहीं सिक्किम नहीं, शिलोंग लेके गए थे, और बहुत मज़ा आया था। हम लोग कम से कम 7-8 दिन के लिए यहाँ पे थे, तो तब भी ऐसा लोगों ने सुना था प्यार से। फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता मैं हूँ प्रेम रोगी। हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता बहुत सारे टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में आपका जो म्यूजिकल जर्नी है उसके बारे में कह चुके हैं, फिर भी प्राग न्यूज़ में पहला इंटरव्यू है आपके साथ, तो इन शॉर्ट में आपका जो म्यूजिकल जर्नी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। म्यूजिकल जर्नी मेरी 4 साल की उम्र से शुरू हो गई, मैंने गाना सीखना शुरू किया, और फिर जैसे जैसे मैं सीखता गया अपॉर्चुनिटीज़ मिली। 77 में एक कंपटीशन हुआ था, तो पूरे इंडिया से कॉम्पिटिटर आए थे, तो उसमें मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था, मुझे हरिहरन को और रानी वर्मा को, तो वहाँ पे रविंद्र जैन साहब वन ऑफ द जजेस थे, तो उन्होंने स्टेज पे अनाउंस किया कि मैं विनर को फर्स्ट ब्रेक दूंगा। तो राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म बन रही थी पहेली, सोना करे झिलमिल झिलमिल, आह आह वृष्टि पड़े टपुर टुपुर, टिप टिप टपुर टुपुर, वृष्टि पड़े टपुर टुपुर टपुर टुपुर। ये मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिल खिल, आह आह वृष्टि पड़े टपुर टुपुर, आपका जो जर्नी है, जर्नी में आप कह चुके हैं कि आपका जो गुरुजी है, गुरुजी का प्रभाव बहुत है, आप बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा। आज जो कुछ मैं हूँ वो गुरुजी की आशीर्वाद से हूँ, पंडित जियालाल वसंत उनका नाम, और उन्होंने ही मुझे गाना बजाना सिखाया, मेरा एजुकेशन भी उन्होंने किया, मैं उनके पास गुरु के घर में रह के ही गाना बजाना सीखा। छुपा रहे
दर्द का नाम, दर्द का नाम दबा रखा है। लता जी की बहुत प्रभाव है आपके जीवन पे, और एक वक्त था कि आपका जो आवाज थे उससे लता जी इम्प्रेस हुई थी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी इम्प्रेस होकर आपको गाना गवाया, वो था चल से मिली बाग में जी, वो थोड़ा गाना और उन कहानियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली लता जी ने ही सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके बोला था कि मैं सुरेश वाडकर को भेज रही हूँ, आप उसको सुनिए और ब्रेक दीजिए। सब बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को तो क्रोधी फिल्म बन रही थी, जिसके लिए लक्ष्मीकांत जी ने मेरे ख्याल से विद इन 4-5 months ही पहला ही गाना लता जी के साथ, पहला गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। मेवे की टहनी टूट गई तो चादर बिछाऊंगा, चादर का पल्लू फट गया तो दर्जी बुलवाऊंगा, चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। ये मेरा दीदी के साथ लता जी के साथ पहला गाना, हाँ। और उनके आशीर्वाद से ही मिला था। अभी तक अब हिंदी, मराठी, ओडिया, कोंकणी फिल्म्स में काफ़ी सारे गाना गा चुके हैं, तो आपको आपको मन नहीं कर रहा है कि आसामीज में भी आप? असमी में गाया हूँ मगर अभी याद नहीं मुझे। मैंने भूपेंद्र का ही गाना गाया था, किसी आसमी फिल्म के लिए किया था शायद मैंने, बहुत टाइम हो गया उसको, मुझे अभी याद नहीं है। लता जी के साथ आपका काफ़ी सारे मेमोरीज है, दोनों एक साथ गाना गा चुके हैं काफ़ी सारे, और आप जानते ही हो कि लता जी के साथ असम का जो रिश्ता था बहुत खास रिश्ता था। जी जी, भूपेंद्र का जो फिल्म है उसमें वो गाना गा रहे थे, तो उन यादगार पलों से एक पल हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? भूपेंद्र बहुत प्यार करने वाले इंसान थे और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, और बहुत प्यार से हमको उन्होंने यहाँ लाए थे, और अब लता जी के यहाँ काफ़ी बार उनकी मुलाकात होती थी, तो बहुत प्यार से इज्जत से मुझे मेरे से बात करते थे, और फिर उनके लिए गाया भी हूँ मैं, और हमारे भारतवर्ष में वो एज MP भी बहुत साल उन्होंने सरकार की सेवा की है, और एक बहुत सच्चे दिल वाले और प्यार करने वाले दिल वाले इंसान थे, तो मैं उनकी यादों को बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ उनका, और साष्टांग नमस्कार करता हूँ। ओ लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है, लगी आज सावन वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे जो हम तुम मिले थे,
से ही दिन थे जो हम तुम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है। लगी आज सावन के फिर वो छड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। सुरेश जी, आपने जब अपना करियर शुरुआत की तब बहुत संघर्ष करना पड़ा, कुछ चैलेंजेस लेना पड़ा आपको, ना कोई सोशल मीडिया थे ना कुछ रियलिटी सोर्स थे, तो अभी तो आसान है मंच मिल जाने पर, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रियाज करना चाहिए, संगीत एक साधना है, संगीत साधना है, रियाज करना चाहिए, तैयार होके ही बाहर आना चाहिए। और ये रियलिटी शोज तो होते हैं ठीक है, मगर ये आपका करियर बनाएगा ही, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। अपनी मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। और हमारे टाइम पे इतना था नहीं है मीडिया या वो, ये अपने गाने के ऊपर ही डिपेंड करते थे, और म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के आपको जांच के आपका गाना सुन के ही आपको बुलाते थे, नहीं तो नहीं बुलाते थे। मगर अभी भी अगर आप कच्चा आ जाओगे तो जल्दी से निकल जाओगे, अगर पक्का आओगे तो जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप इंडस्ट्री में काम करेंगे। तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है आप पहले भी असम आ चुके हैं, इस बार आके आपको खास क्या लगा, और आप कुछ दिशे से असम का जो फिश टेंगा है वो आपने ट्राई किया कुछ, तो क्या फिश खास मैंने लगा? कल खाया, हाँ, बहुत अच्छा ऐसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, फेमस डिशेस है असम का, मीठे पानी का, हमारी ब्रह्मपुत्र माँ का नदी का, उनमें और बहुत बदल गया है, कंप्यूटराइजेशन हाँ, बहुत हो गया है हाँ। पहले 20 साल 25 साल पहले तो इतना नहीं था, बहुत छोटी छोटी और दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे घर होते थे रोड्स के, अब तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग हो गई है हाँ। तो अच्छा है, प्रोग्रेस हाँ। बहुत अच्छी हो रही है हाँ। अब कामाख्या दर्शन किया, उस वक्त भी हमने दर्शन हाँ। हमारे साथ तो उस वक्त सरस्वती माँ थी खुद हाँ। लता भाई मंगेशकर हाँ। सरस्वती मानते हैं? मैं उनको सरस्वती मानता हूँ और हम सरस्वती माँ के साथ ही कामाख्या माँ के दर्शन करने गए थे, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे उस वक्त भी, अभी भी जो मेन प्रीस्ट है तो हमारी मिमी जो आपके जो है ना मेरी शिष्या है वो जतिन जी है ना, जतिन जी, जतिन मिसेस ओके, मेरी शिष्या इज माय स्टूडेंट ओके, तो उन्होंने अरेंज किया था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, माँ का दर्शन किया, माँ का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही प्यार लोगों का और माँ का मिलता रहे, यही प्रार्थना करूँगा, धन्यवाद। ओ ना सोना ना चांदी गीतों को प्यार
अरे गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। 3-4 अंगतों के सौदागर है यही हमारा काम।